मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। इसी तरह से हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं। हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी की पूरी मैकॉले की बनाई हुई है। उसने पाठ्यक्रम बनाया, उसी ने सिलेबस तैयार किया, उसी ने शिक्षा व्यवस्था का माध्यम तय किया। हम अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजों की शिक्षा लेते हैं। दुष्परिणाम क्या है कि जिंदगी भर पढ़ाई करने के बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हमारे काम का है। मैं अपने आप से पूछता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा उसका 99% बेकार है, काम ही नहीं आता, 1% काम आता है। और जब 1% काम आता है तो उसके लिए इतना पैसा खराब किया, इतना समय खराब किया, इतना दिमाग खराब किया मेरा। ऐसे ऐसे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं जो जिंदगी में काम ही नहीं आते। मैंने मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ा है, मॉडर्न एलजेब्रा पढ़ा है, उसके इतने सारे फॉर्मूले मैंने पढ़े, आज तक कभी काम नहीं आए। एक फॉर्मूला पढ़ा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। खूब रटा, खूब पढ़ा, इम्तहानों में लिख के आया, 100 में से 99 नंबर लाया, लेकिन अब मैं अपने आप से पूछता हूं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर का करूं क्या। मेरी जिंदगी में तो काम ही नहीं आया। अब मेरे टीचर को पूछता हूं, आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x प्लस वाई होल स्क्वायर, मेरे तो काम नहीं आया। टीचर कहता है काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हैं इस देश में, जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हैं हमको। आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी का एक अकाउंट लिखिए और उसमें अपने आप से पूछिए कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना याद है आपको, तो आप पाएंगे कि याद वही रहता है जो काम में आता है। जो काम नहीं आता दिमाग उसको भूल जाता है, क्योंकि दिमाग कचरा पेटी नहीं है, ये जीवित वस्तु है, बहुत होशियार है, फालतू चीज़ों को ये रखता नहीं है, निकाल के फेंक देता है। जो चीज़ काम नहीं आती वो याद नहीं रहती, जो याद नहीं रहती उसको पढ़ना क्यों और पढ़ाना क्यों, फालतू में दिमाग क्यों खराब करना। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, उत्तर नहीं है। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं उसका, मालूम है मुझे, मुझे मालूम है कि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, लेकिन करूं क्या। मैं अगर सब्जी खरीदने जाता हूं और सब्जी बेचने वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, वो सब्जी देगा। परचून की दुकान पे जाके कुछ खरीदूं और बताऊं उसको अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति कौन, वो परचून देगा मुझे, क्या काम आएगा मेरी जिंदगी में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति। और अफसोस मुझे क्या है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मुझे मालूम, दूसरा मालूम, तीसरा मालूम, 250 मालूम है, और मेरे घर के पहले पिता का नाम पूछ ले कोई तो मुझे नहीं मालूम। मेरे पिताजी का नाम मालूम है, पिताजी के पिताजी का मालूम है, उसके ऊपर जाते ही सब ब्लैंक, याद ही नहीं है मुझे। अब मेरी तीसरी पीढ़ी के पिता का नाम नहीं मालूम, अमेरिका की 250 पीढ़ियों के राष्ट्रपति का नाम मालूम है, करूं क्या, मूर्खों का मूर्ख मैं तो, क्या करूं उसका। मुझे इतना क्रोध आता है अपने ऊपर। मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे कनाडा की जलवायु पढ़ाई गई, कनाडा की जलवायु क्या है, ठीक है भाई पढ़ लिया कि कनाडा बहुत ठंडा देश है, तापमान -40 डिग्री है, फिर ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, वगैरह वगैरह। अब क्या करूं उसका, पढ़ लिया मैंने कनाडा बहुत ठंडा देश है। अब जब तक कनाडा में जाता नहीं या कनाडा मेरे घर में आता नहीं तब तक उसका क्या करूं। और मेरे जैसे करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कनाडा का जलवायु,
अब मुझे कनाडा का जलवायु मालूम है लेकिन भोपाल का जलवायु नहीं मालूम, मुझे मैक्सिको का जलवायु मालूम है लेकिन शिवपुरी का नहीं मालूम, मुझे ब्राजील का जलवायु मालूम है लेकिन मेरे जन्म जिले का अलीगढ़ का जलवायु नहीं मालूम। काम तो अलीगढ़ भोपाल और शिवपुरी का जलवायु आने वाला है और हम पढ़ रहे हैं ब्राजील मैक्सिको चिली कोस्टारिका कोलंबिया, करेंगे क्या उसका। मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक लोकल नॉलेज आपको नहीं है। हमेशा लोकल नॉलेज काम में आती है, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं होती। तो काय को फालतू में हमारा दिमाग खराब करते हैं ये स्कूल कॉलेज वाले, इंटरनेशनल बनाने में लगे रहते हैं। हम नेशनल तो हो नहीं पाए, इंटरनेशनल होने के लिए परेशान। ये फालतू शिक्षा व्यवस्था, इसको बदलना है और इसमें जरूरत आधारित शिक्षा हमें लेनी। मैंने एक सिलेबस बनाया, आप हैरान हो जाएंगे, कक्षा एक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को जितना 12 साल में हम सिखाते हैं उतना 2 साल में मैं सिखा सकता हूं। पूरे सिलेबस को मैंने रीड्राफ्ट किया। क्या किया? फालतू चीजें निकाल दी सब, उसमें से कचरा पट्टी सब फेंक दिया निकाल के, जो काम का बचा वो 2 साल का है। तो 10 साल का समय बचा लिया मैंने बच्चों का, उसमें हम कुछ और सिखाएंगे उनको, कुछ कारीगरी सिखाएंगे, हाथ का काम सिखाएंगे, ताकि पढ़कर निकलने के बाद वो बेरोजगार दर बदर की ठोकर ना खाएं, कुछ ना कुछ जिंदगी चलाने का काम कर सकें। आप फिजिक्स के नहीं हैं तो भी समझ जाएंगे मेरी बात को, ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते थे करते थे लेकिन इसके रिजल्ट नहीं आते थे। तो हमारे प्रोफेसर से हम झगड़ा करते थे कि रिजल्ट तो नहीं आते, तो वो कहते थे कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट है ना ये कभी सक्सेस नहीं हुआ। माइकलसन और मोरले नाम के 2 वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट किया, सफल नहीं हुए, हमेशा फेल होते रहे, तो रिजल्ट आएंगे कैसे। तो मैंने कहा पढ़ाते क्यों हूं मुझको फिर ये। तो कैसी मूर्खता है इस देश में, हमको पढ़ाया जाता था फेलियर ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की असफलताएं क्या है ये रटो और किताब में लिख के आ जाओ, 100 में से 90 नंबर ले आओ। हम मूर्खों के मूर्ख ऐसे टाइम पास करते रहे अपने पढ़ाई के दिनों में। हमारे यहां एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्या होता था, सीनियर की नोटबुक ले लिया टीप टाप के सब उसको लिख दिया और ले जाके पेश कर दिया, ये होता था। ऐसी मूर्खता की पढ़ाई क्या काम की है। और जानते हैं क्या होता है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लड़के भी यही करते हैं इस देश में, जब वो पढ़ाई करके निकलते हैं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में उनको पोस्ट पर नहीं लेता जब तक कि साल डेढ़ साल उनका अप्रेंटिसशिप नहीं कराते, और वही असली पढ़ाई होती है, 4.5 साल की तो बेकार है। वो 1.5 साल की पढ़ाई अगर काम की है तो सीधे ही पढ़ाओ ना उसको, ये 4 साल 6 महीने क्यों बर्बाद कर रहे हो। हमारे MBBS MD करने वाले डॉक्टर जो इंटर्नशिप में पढ़ते हैं वही असली पढ़ाई है, बाकी तो बेकार है, वही सीधे पढ़ा दो, फालतू समय क्यों खराब कर रहे हो उनका। तो हम शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो फालतू सिलेबस है उसको हटाना चाहते हैं, और ये जो बोझा बच्चों के दिल दिमाग पर है इसे खत्म करना है। सबसे बड़ा बोझा है परीक्षा का, हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता, और परीक्षा होते ही सब भूल जाते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। आज मैंने पेपर दिया, इम्तिहान दिया, कल मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या लिखा। पढ़ाई परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होनी चाहिए। परीक्षा को तो खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा कोई नहीं ले सकता किसी की, अध्यापक भी नहीं ले सकता, क्योंकि ज्ञान असीमित है, परीक्षा उसको सीमित कर देती है। हम चाहते हैं कि परीक्षा का तनाव ना हो, ज्ञान लिया जाए और ज्ञान दिया जाए, और उसकी चूंकि कोई सीमा नहीं है तो जिंदगी भर वो सिलसिला चलता ही रहे और आगे लोग बढ़ते ही रहे।